दशकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान नहीं चलना चाहिए। जो लोग दिन रात संविधान के नाम पर हमको गालियां देते हैं ना, इतने दशकों तक उन्होंने राज किया, आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई, अब तक आई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर पाए। बाबा साहब का संविधान वहां लागू नहीं होता था। ये मोदी है जो संविधान को समर्पित है। आज जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा संविधान लागू हो गया। कश्मीर से आपकी इच्छा थी 370 हटनी चाहिए, तो ये गमंडिया गठबंधन वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का द एंड हो चुका है। अगर कश्मीर में नहीं, भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आप अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को कह दीजिए, अब वो बीमारी को छुपाए नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो मोदी बैठा है। ये मोदी की गारंटी है।